अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ ये केवल दो बच्चों का नहीं बल्कि दो परिवारों की बात है। अगर वो बचपने की वजह से अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम जा रहे हैं केदार से बात करने के लिए रिश्ते के। अब पर ठाकुर साहब ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें तो कोई वजह नहीं दिखती। बेटा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण है। माना कि तुम ये सब नहीं मानते हो पर समाज तो मानता है ना। ठाकुर साहब आपका दिल बहुत बड़ा है, आप तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। पर वो सुलक्षणा ऐसी नहीं है। कहीं उसने अपने ओछेपन में कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं माँ जी, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा अपने खानदान की इज्जत दांव पे लगते हुए। नहीं माँ जी। ना राजकुमारी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन हमें हमारी दोस्ती के ऊपर पूरा भरोसा है। दोनों परिवार एक है, दोनों परिवारों की परेशानी एक है, इज्जत एक है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। इस मौली को पैर में चुभे कांटे की तरह मैं जितना दूर फेंकना चाहती हूँ ये उतने ही मेरे गले की फांस बनती जा रही है। अगर ये यहाँ रही तो मेरा सच कभी भी सामने आ सकता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों में ठाकुर साहब तो यहाँ कभी आए नहीं, ऐसी का हो गई बात जो आ जा रहे हैं। पता नहीं वो तो फोन करके बोले कि आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये तो भोलेनाथ जाने या ठाकुर साहब खुद। जा रहे जमाना बस कोनो भली बात ही हो है? लगता है आ गए वो है? हाँ। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार केदार। नमस्कार नमस्कार। आप मुझे बोल देते मैं गाड़ी लेकर आ जाता। आप क्यों परेशान हो? बात यह है केदार, सोचा दोस्त के घर पे चाय पीते हैं। अच्छा किया, धन्य हो गए हम लोग। छुटकी मलकाई। प्रणाम छुटकी मलकाई। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक काहे बात का मुबारक बात दे रही मलकाई? अरे ठाकुर साहब अब तक खुशखबरी नहीं दिए हैं क्या? ठाकुर साहब बस अभी तो पहुँचे हैं। ओहो फिर तो मैंने जल्दबाजी कर दी। कोई बात नहीं, ठाकुर साहब आ गए हैं तो उनके मुंह से ही सुन लेना खुशखबरी। पर बात का है तो बताइए मलकाइन। ठाकुर साहब ने सोच लिया है कि वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे, बीहान और मौली की शादी करा देंगे। यही बात करने तो गए हैं वहाँ। मुबारक हो, अब मौली तुम्हारे घर की लक्ष्मी बनने वाली है। सच में सुलक्षणा तुम इस घर की कितनी वफादार हो। मौली के दुर्भाग्य को जानने के बाद भी उसे अपने घर की बहू बनाने जा रही हो। ठाकुर परिवार को तुम पर हमेशा नाज रहेगा, समधन जी। दोस्तों के बीच खलल सिर्फ तुम ही डाल सकती हो सुलक्षणा। सिर्फ तुम ही बिहान और मौली के होने वाले इस रिश्ते को तोड़ सकती हो, समधन जी। इसे बैठो। आ!
कोशिश क्या कर रही है आप? नौटंकी बंद कीजिए वरना अकेले के बाहर। मैं नहीं करूंगी बंद, करो दरवाजा बंद करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बंद करो दरवाजा। मैं नहीं करूंगी बंद। अब दोबारा कुछ किया ना तो अपने हाथ पैर टूटने का दोष हम पर मत डालिएगा। बंद कर दो प्लीज। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने गरीब दोस्त सुदामा के घर आए। आइए ना। नमस्ते भाभी जी। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, हमें अमीरों की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती है। नमस्ते की जगह हमें ये भी बता दीजिए सीधे से कि आपका लेने आए। पंडिताई कैसे बात करूं ठाकुर साहब से? चलो चाय पानी का इंतजाम करो। चलो चाय का, हम तो पूरा 56 भोग सजा देंगे। बस ठाकुर साहब हमें यही बता दें कि वो हमसे मांगने का आए। सुलक्षणा तू कहा है ना ठाकुर साहब कि हम बामन हैं और आप ठाकुर हैं, और अगर आप बामन के घर आके कुछ ऐसा वैसा मांग लिए और हम दे ना पाए ना तो हमको बड़ा पाप लगेगा। अभी जी बात दरअसल ये बिहान का रिश्ता मौली के लिए लेकर आए हैं, यही बात है ना? और मुझे ये भरोसा है कि आपको ये रिश्ता स्वीकार होगा। देख रहे हैं ना गांव वाले, ठाकुर साहब अपनी अपशगुनी और अमंगली लड़की का रिश्ता हमारे बिहान के लिए लेकर आए हैं। वो लड़की जिसकी शक्ल वो खुद नहीं देखते हैं उसे हमारे बिहान का नसीब बना देना चाहते हैं। राजकुमारी ने गुंडे हमें बचाने के लिए भेजे हैं, यही सुनहरा मौका है। तुम नजर रखना, मैं ऐसे होने की कोशिश करती हूँ। जल्दी चल जल्दी चल। मौली सुलक्षणा
ये दो घरों की आपस की बात है, सरेआम क्यों उछाल रही हो? शांत रहो। जा रहे जमाना, अब बात दो घरों की कहां रही, अब तो पूरे समाज की हो गई है। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, आप ठाकुर हम बामन, हम नौकर आप मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, पर कुछ भी करके ना मेरा रिश्ता मान नहीं सकत। सुलक्षणा तुम, सुलक्षणा मत भूलो कि ठाकुर साहब ने कितना कुछ किया इस घर परिवार के लिए। हम जानते हैं कि ठाकुर साहब के बहुत एहसान है हम पर, और हम ये एहसान ना इस जीवन में नहीं चुका सकते, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हम अपने बेटे की जिंदगी को ना उनकी बेटी की बदकिस्मती की बलि चढ़ा दें। सुलक्षणा ये बदतमीजी है और किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये लीजिए हमारा गला रेत दीजिए, इससे तो अच्छा है कि हम गला रेत के मर ही जाए। क्या तुम छो कुछ हो जाए, हम बिहार का रिश्ता ना मौली से नहीं होने देंगे यार, नहीं तो क्यों मर जा रहे थे। छोड़ उसको, क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। बाबूजी माँ ठीक कह रही हैं। दीपक कहा है कि हम खुद देख कर आ रहे हैं, बिहार पढ़ाई करने जा रहा था और मौली तो मौली उसे रास्ते में रोक के पता नहीं कहाँ ले गई। सुन लिया ना, हमरे बिहान का उस मौली के साथ कोनो रिश्ता नहीं है। वो मौली ना बचपन से ही हमने बिहान के पीछे पड़ी हुई है कि कोनो रिश्ता बन जाए। वो हमारा भोला भाला बिहान उस मौली के जाल में फंस गया है। ठाकुर साहब हमरे बिहान की जिंदगी बर्बाद हुई ना, हम भूल जाएंगे कि आप कौन है। ठाकुर साहब हमरे बिहान की जिंदगी बर्बाद हुई ना, हम भूल जाएंगे कि आप कौन है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।